नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं पंकज कुमार टेलर, लेक्चरर इलेक्ट्रॉनिक्स जीपीसी चित्तौड़गढ़, आपका टीटीसी जोधपुर के यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, आज हम इलेक्ट्रॉनिक्स सर्किट EL-301 का यूनिट सेकंड मल्टी स्टेज एम्पलीफायर का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है डिस्टॉर्शन इन एम्पलीफायर। सो सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि बेसिकली ये डिस्टॉर्शन होता क्या है। सो आप ये जानते हैं कि एम्पलीफायर का काम, जो सर्किट में हम एम्पलीफायर लगाते हैं, उसका काम होता है सिग्नल लेवल को एम्पलीफाई करना। यानी कि जो भी हमने वोल्टेज लेवल दिया है या करंट लेवल जो भी हमने दिया है, उसको एम्पलीफाई करना, यही उसका फंक्शन होता है किसी भी एम्पलीफायर का। लेकिन अगर हम डिस्टॉर्शन की टर्म्स में बात करें, तो कई बार जो हमें आउटपुट मिलता है और हम इनपुट और आउटपुट की वेवफॉर्म को जब कंपेयर करते हैं, जो कि एक एसी सिग्नल है, जब उसको हम कंपेयर करते हैं और उसके शेप में अगर चेंजेस आ जाएं, यानी कि इफ़ आउटपुट सिग्नल शेप इज़ डिफरिंग फ्रॉम द इनपुट सिग्नल शेप, देन वी कैन से दैट द डिस्टॉर्शन इज प्रेजेंट इन द एम्पलीफायर। सो डिस्टॉर्शन बेसिकली क्या है? ये जो चेंज आ रहा है आउटपुट वेवफॉर्म के शेप में, जो कि इनपुट वेवफॉर्म से डिफरेंट है, उस फिनोमिना को या उस कैरेक्टरिस्टिक्स को हम बेसिकली, या उस प्रॉब्लम को हम डिस्टॉर्शन कहते हैं एम्पलीफायर्स में। सो मेनली ये डिस्टॉर्शन जो है वो तीन टाइप का होता है, जिसको हम क्लासिफाई कर सकते हैं नॉन लीनियर डिस्टॉर्शन के रूप में, जो कि बेसिकली आपका एक एम्पलीट्यूड डिस्टॉर्शन होता है। दूसरा हम कह सकते हैं उसको फ्रिक्वेंसी डिस्टॉर्शन, और तीसरा जो है वो फेज डिस्टॉर्शन। अब हम डिटेल में एक एक डिस्टॉर्शन की बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं नॉन लीनियर या एम्पलीट्यूड डिस्टॉर्शन से। सो नॉन लीनियर डिस्टॉर्शन इज़ बेसिकली जब हम ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं किसी भी ट्रांजिस्टर की। तो सबसे पहले देखते हैं ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं। ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक्स बेसिकली जब हम आउटपुट के एक वेरिएबल और इनपुट के एक वेरिएबल के बीच में जो ग्राफ बनाते हैं, आउटपुट वर्सेस इनपुट, इसको हम कहते हैं बेसिकली ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक्स। सो एम्पलीफायर की जो ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जब उसका ऑपरेशन जो है ट्रांजिस्टर का, ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक्स के नॉन लीनियर रीजन में मूव करेगा, तो हमको नॉन लीनियर डिस्टॉर्शन जो है बेसिकली आपके एम्पलीफायर में प्रेजेंट होगा। यानी कि हम ये देख सकते हैं कि अगर एम्पलीफायर जो है वो इनपुट के डिफरेंट पार्ट को डिफरेंट तरीके से एम्पलीफाई कर रहा है, तो ये एम्पलीफिकेशन जो है बेसिकली डिस्टॉर्टेड होगा। यानी कि एग्जांपल के लिए हम देख सकते हैं कि पॉजिटिव हाफ साइकिल का कंप्रेशन हो रहा है या एक्सपेंशन हो रहा है, या नेगेटिव हाफ साइकिल का कंप्रेशन या एक्सपेंशन हो रहा है, या उनके जो पीक हैं वो फ्लैट हो रहे हैं, या कुछ पोर्शन क्लिप ऑफ हो रहा है अनवांटेडली अगर ऐसा हो रहा है, अनडिज़ायर्ड अगर ऐसा क्लिपिंग हो रही हैं, तो इन सारी चीज़ों को हम बेसिकली नॉन लीनियर डिस्टॉर्शन कहते हैं। और ये सारी जो प्रॉब्लम्स है वो बेसिकली उसके एम्पलीट्यूड में जनरेट हो रही हैं, इसीलिए हम इसको नॉन लीनियर या एम्पलीट्यूड डिस्टॉर्शन कहते हैं। दूसरा हम ये भी देख सकते हैं कि एम्पलीट्यूड डिस्टॉर्शन जो है वो हारमोनिक्स के टर्म्स में भी डिफाइन किया जाता है। सो हारमोनिक्स बेसिकली क्या होते हैं कि जो हम सिग्नल लेते हैं इनपुट में देने के लिए, जिसको एम्पलीफाई करना है बेसिकली, उसकी एक पर्टिकुलर रेंज होती है। जैसे मैं ऑडियो सिग्नल की बात करूँ, तो ऑडियो सिग्नल के केस में जो रेंज होगी वो होगी 20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलो हर्ट्ज। तो जो एम्पलीफाइड सिग्नल मुझे मिलना चाहिए, उसकी फ्रिक्वेंसी रेंज भी यही रहनी चाहिए। लेकिन अगर आउटपुट में जो हमें मिला है सिग्नल, उसमें वो फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट्स भी पाए जाते हैं जो बेसिकली इनपुट में हमने दिए ही नहीं थे। इफ़ आउटपुट इज़ कंटेनिंग दोज फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट्स विच वर नॉट प्रेजेंट इन द इनपुट, सो वो कंपोनेंट्स कहलाते हैं बेसिकली हारमोनिक्स। सो इस हार्मोनिक डिस्टॉर्शन को एनालाइज करने के लिए हम एक फैक्टर डिफाइन करते हैं। सो हार्मोनिक बेसिकली कैसे दिया जाता है? अगर हम nth हार्मोनिक की बात करें, आउटपुट में जो कोई nth हार्मोनिक प्रेजेंट है, अगर उसको डिफाइन करें, तो उसकी डेफिनेशन होगी dn इज इक्वल टू दी an अपॉन a1 इंटू 100। सो ये बेसिकली परसेंटेज में रिप्रेजेंट किया जाता है। an बेसिकली क्या है? nth हार्मोनिक जो है उसका एम्पलीट्यूड, और a1 जो है बेसिकली फंडामेंटल कंपोनेंट का एम्पलीट्यूड। सो इसी तरीके से हम टोटल हार्मोनिक डिस्टॉर्शन की अगर बात करें, तो हम इसका वेक्टर एडिशन ले सकते हैं। सो ये बेसिकली dt जो होगा वो होगा अंडर रूट ऑफ d2 स्क्वायर प्लस d3 स्क्वायर अप टू dn स्क्वायर। अब देखने वाली बात यहाँ पे ये है कि यहाँ पे स्टार्टिंग जो हो रही है टोटल हार्मोनिक डिस्टॉर्शन में, वो d2 से हो रही है, d1 से नहीं हो रही है। सो d1 इसमें क्यों नहीं प्रेजेंट है? बिकॉज d1 इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ डिस्टॉर्शन। d1 इज़ बेसिकली द रिक्वायर्ड कंपोनेंट, द डिजायर्ड कंपोनेंट, और द फंडामेंटल कंपोनेंट। सो दैट इज़ नॉट बेसिकली द डिस्टॉर्टिव पार्ट।
और दूसरा जो डी नॉट है बेसिकली वो आपका डीसी कंपोनेंट्स है, तो वो भी बेसिकली इसका पार्ट नहीं है। सो डी टू जो है वो बेसिकली सेकंड हार्मोनिक जो है उसका एम्पलीट्यूड सबसे ज़्यादा होता है, इसीलिए सेकंड हार्मोनिक का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होने की वजह से ये सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है। सो डिस्टॉर्शन फैक्टर बेसिकली टोटल डिस्टॉर्शन को मेजर करता है, और स्पेक्ट्रम या वेव एनालाइजर के थ्रू हम किसी भी हार्मोनिक का बेसिकली एम्पलीट्यूड मेजर कर सकते हैं, ये एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं हम स्पेक्ट्रम एनालाइजर में। अब हम दूसरे डिस्टॉर्शन की अगर बात करें जिसको हम बेसिकली फ्रीक्वेंसी डिस्टॉर्शन कह रहे हैं, सो अ प्रैक्टिकल सिग्नल ही सिग्नल इज़ बेसिकली कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स मीन्स उसमें बहुत सारी फ्रीक्वेंसीज जो हैं वो होती हैं। अब ये कॉम्प्लेक्स इसलिए आ रहा है बिकॉज वी आर इन्वॉल्विंग रिएक्टिव कंपोनेंट्स लाइक कैपेसिटर एंड इंडक्टर। सो अगर एम्पलीफिकेशन ऐसा हो रहा है एम्पलीफायर का आउटपुट में जिसमें जो एम्पलीफिकेशन है वो फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट है, यानी कि डिफरेंट फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स जो हैं वो डिफरेंटली एम्पलीफाइड हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं कि लो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट अलग लेवल से एम्पलीफाई हो रहे हैं, हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स अलग लेवल से एम्पलीफाई हो रहे हैं, मिड फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट अलग लेवल से एम्पलीफाई हो रहे हैं, तो ये जो आपका एम्पलीफिकेशन है वो फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट हो गया है। सो इस तरीके की सिचुएशन को हम बेसिकली फ्रीक्वेंसी डिस्टॉर्शन कहते हैं, और ये बेसिकली BJT और FET जो आपकी एक्टिव डिवाइसेस हैं उनकी वजह से, और जो कंपोनेंट्स हम यूज़ करते हैं कैपेसिटर्स और इंडक्टर्स सर्किट में एम्पलीफायर सर्किट में उनकी वजह से होता है। अगर हम लास्ट तीसरे टाइप के डिस्टॉर्शन की बात करें जिसको हम बेसिकली फेज डिस्टॉर्शन कह रहे हैं, तो ये भी बेसिकली जो रिएक्टिव कंपोनेंट्स हैं और एक्टिव डिवाइसेस हैं उन्हीं की वजह से होता है। सो ये बेसिकली एक तरीके का फेज शिफ्ट है। अगर इनपुट और आउटपुट में अनडिजायर्ड रूप से कोई भी फेज शिफ्ट आ रहा है तो भी हम कह सकते हैं कि बेसिकली एक तरीके से ये फेज़ इसका जो शेप है वही चेंज हो रहा है। सो इसको हम बेसिकली डिले और डिस्टॉर्शन भी कह सकते हैं। फॉर एग्जांपल जो टीवी पिक्चर की रिसेप्शन में जो प्रॉब्लम होती है वो जनरली फेज़ डिस्टॉर्शन की वजह से होती है, और इस फेज़ डिस्टॉर्शन को अवॉइड करने के लिए टू अवॉइड दिस एम्पलीफायर फेज शिफ्ट शुड बी प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी, यानी कि आपका जो फेज शिफ्ट है वो अगर फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल होगा तो वी कैन एलिमिनेट द फेज डिस्टॉर्शन। धन्यवाद।